इसलिए तो औरत जात से नफरत हो गई है। महीने में शादी मजाक बना लेते हैं। नहीं बानो, तुम नहीं आओगी। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं तो तुम्हें दुल्हा बना देखना चाहती हूँ। कल मैं लेट नाइट तक ऑफिस में रही, आप भी यहाँ थे, आपने मुझे पैसे दिए। सर ऑफिस में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। I'm really sorry. Good. और किसी को ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो अपनी सोच को वहां छोड़ के आओ जहां से आते हो। मेरे ऑफिस में यार किस नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, बॉस से जवाब की शिकायत लगा के तुमने अच्छा नहीं किया। तुम भी एक लड़की हो, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम बर्दाश्त कर लेती? मैं तुम्हारी जगह होती ना आयशा, तो ये नौकरी ही छोड़ देती। नौकरी छोड़ देती? तुम्हें लग रहा है जो जवाब ने कहा वो ठीक था? उसने जो देखा वो ही कहा। कभी मजबूरी देखी है? नहीं ना। तुम ये जॉब पैशन के लिए करती हो, है ना? मैं मजबूरी के लिए करती हूँ। और जवाद जैसे मर्दों के सामने एक मजबूर लड़की बद किरदार होती है। जवाद यहाँ 9 साल से काम कर रहा है आयशा, है ना? फिर तो उसको बॉस की तबीयत का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मुझे आमिर से कब मिलवा रही? वो तो तैयार बैठा है, जब कहेंगी ले चलूंगी। हाँ भाई, तुझे तो कोई होश है नहीं। मुझे ही उससे पूछना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, कब शादी करना चाहता है, कब अपने घर वालों को लेकर आएगा। और अम्मा, वो मान जाएंगी? भाभी से मैं बात कर लूंगी। वैसे भी पानो जैसा हशर थोड़ी होने दूंगी तेरा। मैं कर लूंगी तेरे लिए बात, तेरा साथ दूंगी, लेकिन लेकिन देख, भाभी मान गई तो ठीक है, वरना तुझे घर से भगाने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। मैं तेरा साथ दूंगी, मगर तू भी मेरे लिए कुछ करेगी ना। अब तेरे पास पैसे हैं, तू ऐसा कर मुझे कुछ पैसे दे दे। पार्लर का सब सामान खत्म हुआ हुआ है और कुर्सी भी टूट गई है, मैं नई कुर्सी ले आऊंगी। बड़ी तेज है बॉबी पप्पो, मदद की नहीं और मुआवजा मांग भी लिया। राजदार हूं मैं तेरी, चाहती तो सारी बातें कुत्सिया भाभी को बता सकती थी, मगर नहीं बताई। तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये चंद हजारों की क्या वक्त मेरे सामने? मेरे पास पैसे नहीं है, आमिर से कह दूंगी दे देगा वो। उससे तू मांगती फिरना, लेकिन तेरे पास जो सोने की चेन है तू मुझे दे दे। कौन सी चेन? वही जो तू किचन में छुपा रही थी। देख, मुझसे कुछ नहीं छुपता, शराफत से चेन मेरे हवाले कर दे। वैसे भी भाभी के होते हुए तो इस घर में तू वो चेन पहन नहीं सकती, तो अच्छा नहीं है कि मैं पार्लर का कुछ सामान ले आऊं, 4 पैसे आ जाए, मेरी मदद हो जाए। मर्जी तेरी, मगर मुझसे कोई उम्मीद ना लगाना। पप्पो, कुत्सिया को पता चल जाएगा तो जवाब दे पाएगी उसे? अच्छा, अम्मा से बात करने की जरूरत नहीं, मैं आपको देती हूँ। फेशियल तो पूरा करती जाए। क्या हुआ, कोई मसले का हल निकला? यार तू किसी भी लड़की से शादी कर ले जो बेसहारा हो। और ऐसी लड़की कहां से मिलेगी? तू दारो लवान जा और वहां जाके कोई ऐसी मजबूर लाचार लड़की ढूंढ और उससे निकाह कर ले। वैसे भी तुझे बीवी की नहीं, निकाहनामे की।
की जरूरत है। फाद वैसे मैं तुझसे कभी भी ढंग का मशवरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है मैंने। तू सोच तो सही इस बारे में एक दफा। इस तरह तेरी शादी भी हो जाएगी और सादी आंटी से तुझे मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। कैसा? बहुत बुरा। एक तो मैं तेरे बारे में इतना सोच रहा हूँ और तू इतने नखरे कर रहा है आगे से। मेरी बात मान ले, आसित, इस टाइम तेरी पोजीशन वीक है। तू ऐसी कोई लड़की ढूंढ जो फरमा बरदार हो, जिसकी मुंह में जबान ना हो और वो तुझे छोड़ने का तसव्वुर तक भी ना करे। तू ऐसी कोई लड़की ढूंढ जो फरमा बरदार हो, जिसकी मुंह में जबान ना हो और वो तुझे छोड़ने का तसव्वुर तक भी ना करे। मिस आयशा को बासित सर के सारे कामों की फिक्र होती है, तभी तो कल रात उनके कहने पे उनके ऑफिस में लेट तक बैठी हुई थी। सर, आप अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं? नहीं सर, सर मैं बस निकलने वाली थी। ओके, चलो। जी मैं बस थोड़ी देर में अभी चली जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ऑफिस में रहना चाहिए आफ्टर जो सब कुछ हुआ। सर वो आपके हाथ में क्या है? सर कुछ नहीं। दिखाएं मुझे। सर चप्पल टूट गई है मेरी। ओके चलें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं रोज जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। ऐसे ऐसे तो कभी भी नहीं जा सकते। चलें मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर मैं चली जाऊंगी। आपके घर पे कौन कौन है? आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। I'm sorry to hear that. कोई बात नहीं। तो आपके भाई? कोई भाई नहीं है मेरा। क्या मतलब घर पे कोई मर्द नहीं है? मेरा मतलब है घर के अखराजात एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? मेरी बड़ी बहन, वो अखराजात पूरे कर रही थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी भी जॉब लग गई। आपका घर कहाँ पर? जी सीधा ये गोल चक्कर से राइट लेना। राइट है? जी।
थैंक यू सर। सर अब जाए। सारिया भाभी बासित अब बच्चा नहीं रहा, वो शुरू से अपने फैसलों में खुद मुख्तार रहा है, और आप तो जानती हैं सलमान ने उसे कैसे पाला है। उसकी हर बात मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी, और फिर आप लोगों के बीच ये दरार, वक्त और सलमान का बेतहाशा प्यार भी उस खला को पूर्ण नहीं कर सका जो आपके जाने से वो महसूस करता रहा है। जी आप सही कह रहे हैं मंसूर भाई, और ये शादी वाली जो शर्त है वसीयत में, मुझे लगता है कि इसने बहुत मजबूर कर दिया बासित को। प्लीज़ मंसूर भाई आप कुछ कीजिए, देखिए किसी को कंसल्ट कीजिए, किसी तरह से ये वसीयत में से निकलवा दीजिए ये शर्त, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो लोन लेने की बात इसीलिए कर रहा है ताकि आप पीछे हट जाए। मैं जानती हूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो बुरी तरह फंस ना जाए इस लोन के चक्कर में। तभी मैं आपके पास आया, वो जज्बाती होके ये फैसला कर रहा है। आयशा तुम्हें क्या हो गया, रोजाना तुम नई नई गाड़ियों से उतरती, कम से कम हमारा नहीं तो मोहल्ले वालों का ही कुछ लिहाज कर लो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कुत्सिया की बेटियां इतनी आजाद इतनी मॉडर्न हो गई। कुछ भी नहीं कहेंगे कोई देखेंगे तो, सबको पता है जॉब करती हूँ मैं। हाँ इन पर बात आए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारे भली आजादी पर पाबंदी लगा दें। इस आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना मुहाफिज खुद बनना पड़ता है। अल्लाह ना करे मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े, मैं तो अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। मम्मी कहाँ? कमरे में लेटी। और बानो? उन्होंने तो कमरे को अपनी कब्र समझ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती, बहन है तुम्हारी, तमीज से बात करो। अच्छा मुझे ये चप्पल दो। क्यों? चप्पल चाहिए मुझे, मेरी टूटी हुई है, मुझे कहीं जाना है। अब कहाँ जा रही है आयशा? आती हूँ। आयशा चलो भाई, इससे तो बहस ही नहीं कर सकते। जी बाजी। नहीं कुछ नहीं, वो दरवाजा कोई नहीं खोल रहा इसलिए। इनके घर पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा कुछ पता है कब तक आएंगे? ये तो नहीं पता, मगर इनके घर पे शादी है। किसकी शादी? वो तलाल भाई की अपनी शादी है ना, वो सब उनकी मेहंदी के फंक्शन में गए हुए हैं, तो देर से ही लौटेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुद आपको बुलाने वाला था। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आई एम श्योर आपने इन्हें लोन का बता दिया होगा। वैसे क्या जरूरत है इतना बड़ा लोन लेने की बेटे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपको इन सब चीजों का जवाब दूं। और इवन देन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मंसूर अंकल आपको डिटेल्स दे सकते हैं। मंसूर अंकल अगर हो सके तो कल ही कागजात साइन करवा लें इनसे। श्योर। और अगर आपके पास वक्त हो तो आई वुड लाइक टू सी यू इन द ऑफिस। जरूर। थैंक यू, सी यू देन। प्लीज भाभी आप तहमुल से काम लें, अब आपको इसके माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाना है। माँ है आप बासित की, आपको पता होगा उसे कैसे राजी करना है।
हाँ बोलो। मैं दलाल के घर से आ रही हूँ। क्या, क्यों गई थी तुम वहां? मैं पूछ रही हूँ अब क्या रह गया, क्यों सुकून नहीं तुम दोनों को? दलाल शादी कर रहा है। पता है मुझे, और बानो उसकी शादी में जाने की तैयारियां कर रही है। बानो को पता है? किस दुनिया में रहती हो आयशा? तो यहां घर में उस कमबख्त की शादी का कार्ड आ गया और तुम्हें पता भी नहीं। जाओ जाकर समझाओ उस अकल की अंधी को, बेवफाई की है उसने, धोखा दिया है और चली उसकी बरातन बनकर। क्या कहूं उसे मैं तो उसे आंखें नहीं मिला सकती। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? बानो के लिए हमने किया क्या है? उसकी एक वाहिद खुशी उसकी आंखों के सामने छीन रही है। हमने नहीं छीनी उसकी खुशियां, जो कुछ भी किया उस तलाल ने किया। सारा कसूर तलाल के सिर पर मत डाल, आपका भी कसूर है अम्मा। वो खामोश हो गई है तब तुम शुरू हो गई लड़ने। अब तो मुझे भी नौकरी मिल गई है, चले ना तलाल के घर चलते हैं, उसके घर वालों से माफी मांगते हैं, फिर शायद तलाल और बानो की शादी हो जाए। मुझे लगता है तुम पर उसका असर हो गया, पागल हो गई तुम दोनों। मुझसे बानो का ये हाल नहीं देखा जाता। अच्छा वहां चलकर क्या कहूं कि मैंने अपनी बेटी के रिश्ते से इनकार किया था, अब मैं अपनी बेटी को लेकर खुद आई हूं, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को कबूल कर ले, हमसे रिश्तेदारी करते हैं, ये कहूं? तो हाँ, सुलह करने में क्या हर्ज है, वैसे भी अपनों के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर लेते। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो आयशा, जो हो गया सो हो गया। तलाल से बेहतर लड़का मिल सकता है बानो को? इतना भी काल नहीं पड़ा लड़कों का कि बेटियों की माएं अब बेटों की माओं के तरले करती फिरे। अब जाओ जाकर सो जाओ, फिर लेट हो जाओगी सुबह ऑफिस के लिए। बानो तुम्हें पता आज क्या हुआ? सुनो तो, आज मेरी ऑफिस में जूती टूट गई और मैं पागलों की तरह वहीं ठीक करने लग गई, ऊपर से बासित सर आ गए। इतनी शर्मिंदा हुई, दिल चाह रहा था बस वहीं मर जाऊं, फिर उन्होंने ना तरस खा के मुझे घर ड्रॉप कर दिया। सर बासित कंपनी के मालिक हैं जहां मैं काम करती हूँ। किसने सोचा था कि बासित सलमान के दिल में भी रहम है? बता नहीं सकती दिन में कितनी कैफियत से गुजरती हूँ मैं, डर लगता है उस आदमी से, बहुत गुस्से वाले हैं, जब भी मुंह खोलते हैं ना अंगारे बरसते हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ और, दिखाते कुछ और है। अनु सुन रही हो? अनु बात हुई तलाल से? बात करके अब क्या फायदा? बानो तुम भूल नहीं सकती तलाल को। हम जैसे गरीबों की जिंदगी हमसे हर काम करवा ही लेती, ये भी हो ही जाएगा। बहुत दम घुट रहा है मेरे यहाँ पे, मैं छत पे जा रही हूँ। मैं चलूँ साथ? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये लोन लेकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सलमान अहमद का बेटा हूं, गलती करने की आदत तो आएगी मुझमें। Thank you.
आपको पता है मैं सब कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर आप मेरे सामने आ जाती हैं और इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी कर लो, have your own happy family. और कुछ नहीं तो कम से कम अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दो. उनकी ख्वाहिश का सोचते हुए ही मैं सोहा से मिलने गया था, and then what? मैंने एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए. मिसेज अंसारी से बात की थी, अच्छी लड़की है, फैमिली भी बहुत अच्छी है. किसी के घर जाके उनकी बेटी को देख के रिजेक्ट करना मेरे लिए बहुत गैर अखलाकी बात है. प्लीज मत करो इनकार, प्लीज. मैं फिर से जीतना चाहती हूँ, लेकिन जब तक खुद अपनी आंखों से अपनी हार नहीं देखूंगी तो जीतूंगी कैसे? तो रुखसती कब होगी? उसके माँ बाप को पता है ना? अम्मा ने आज फिर लेट कर दिया. आयशा, ये वाली ज्वेलरी देखो, ज्यादा अच्छी लगेगी ना इस ड्रेस के साथ. हाँ, इसके साथ चलेगा. पूछोगे नहीं कि कहाँ जा रही हूँ? जानती हूँ, मगर रोक नहीं सकती. हाँ, मैं नहीं चाहती तुम वहां जाओ और तुम्हें तकलीफ हो. उसी तकलीफ की शिद्दत को तो हरा देना चाहते हैं. पानो, तुम बहुत बहादुर हो, मैं जानती हूँ. तुम्हें कहाँ की अकलमंदियां हैं, खुद ही उस डगर पर चलो जहां जगह जगह कांटे ही कांटे बिखरे. लाज दुल्हा बनेगा, देखना चाहती हूँ उसे. मत करो ना अपने साथ ही, यही सह पाओगी. यही तो बात है ना ईशा, अगर मैं ये सह गई ना तो समझो मैंने अपनी जिंदगी वापस जीत ली. और मैं फिर से जीतना चाहती हूँ, लेकिन जब तक खुद अपनी आंखों से अपनी हार नहीं देखूंगी तो जीतूंगी कैसे? सर, वो ऑर्बिट फाइनेंस वाले बस आ रहे हैं 10 मिनट में मीटिंग के लिए. जब सब आ जाए मुझे बता दीजिएगा. प्लीज सर. Thank you.
तुम्हारे लिए तुम्हें सारी जिंदगी दे रहा हूँ। अगर मम्मी चाहती हैं कि पहले मेरी शादी, बिचलौता बेटा होने की हैसियत से मैं उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम भी ना करूं। यहाँ एहसास की कदर ना हो वहाँ जज्बे कुर्बान नहीं किए जाते, समझो इस बात को। वो तो ठीक है, बट आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड आफ्टर अप्रैल। सर मैंने सितंबर तक की तो फाइल्स आपको दी थी, मैंने खुद आपको दी थी, मैं लेके आती हूँ। Anyway, irrespective of that, अगर अगस्त तक ये हम लोग टारगेट नहीं अचीव कर सके तो आप लोग कैसे मुझे गारंटी दे सकते हैं कि ये हम लोग सितंबर तक अचीव कर लेंगे? I don't understand. Is everything okay? I've been calling you and you've not been answering. My meeting abhi call off karta. We'll continue this tomorrow. मैं इतनी देर से किसी के घर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। So what? मैंने नहीं कहा था कि आपको वहां पे बैठ के मेरा इंतजार करें। Then you should have answered my calls and said no. मैं आपको पहले ही साफ साफ मना कर चुका था कि मैं आपके साथ कहीं पे भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अकेले जाना चाहते हो? अकेले चले जाओ। या फिर इसलिए नहीं जाना चाहते कि लड़की मैंने पसंद की है? ठीक है, फिर भी मत जाओ, लेकिन कोई लड़की पसंद करो, क्योंकि मैं लोन तुम्हें हरगिज भी नहीं लेने दूंगी। मैंने कहा कर चुका हूं। किससे? इससे। इसका नाम आयशा। अब आपको मेरे लिए लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, और आयशा से आप तब तक इंटरेक्शन नहीं कर सकते जब तक मैं आपको नहीं कहता। Thank you.
शादी मुबारक हो। बहुत प्यारी हैं आपकी तरह। थैंक यू। आप? मैं इनकी ऑफिस की कॉलीग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज क्या तमाशा करने आई हूँ यहाँ? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। ओह, तो तुमने इसे यहाँ बुलाया? फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा बहुत फरमा बरदार है, मैं खुद आई हूँ यहाँ। हमें आप प्लीज यहाँ से जाइए, मैं 2 मिनट में। सिर्फ 2 मिनट? अकेली आई? यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ ये सारी जिंदगी याद रहेगा मुझे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ना आती तो सारी जिंदगी तुम्हें दूल्हा बने देखने की हसरत रह जाती। बहुत अच्छे लग रहे हो दूल्हा बने हो। शायद आज हमारी आखिरी मुलाकात। चलती हूँ। बानो, जिस तरह हिम्मत करके तुम आज यहाँ आई हो, उसी तरह हिम्मत करके जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब कोई उम्मीद ना रहे तो इंसान आगे बढ़ ही जाता है। तुमने बहुत कुर्बानी दी है अपनी माँ और बहनों के लिए। अब आगे जिंदगी में अपने लिए जीना, बहुत कुछ किया है तुमने अपनों के लिए, अब आगे सिर्फ अपना सोचना। हैरत है, जीने का मकसद छीन के तुम मुझे जीने का हौसला दे रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी में अपने लिए जीना, बहुत कुछ किया है तुमने अपनों के लिए, अब आगे सिर्फ अपना सोचो। मैंने क्या कर चुका हूं इससे? जिस तरह हिम्मत करके तुम आज यहाँ आई हो, उसी तरह हिम्मत करके जिंदगी में आगे बढ़ो। उन्हीं अपनों की वजह से, तो ये हमें अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे, माँ को तकलीफ नहीं दे सकते। इधर होगा कि हम ना ही उन्हें छोड़ सकते। भूल जाए दूसरे। उनका आखिरी सहारा भूल जाए।
आयशा कहाँ है? सर वो इधर ही थी, शायद चली गई। फिर गई थी आज वहां? कहां से लाई उतनी हिम्मत? मैं तो 3 हफ्ते में हार गई हूं। मुबारक हो भाभी, बहुत जल्द बासित की दुल्हन इस घर में आ जाएगी। मंसूर भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अभी तक यकीन नहीं आ रहा, उसको देख के भी यकीन नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कहाँ है? साथ नहीं लेकर आया उसको? नहीं। तो रुखसती कब होगी? उसके माँ बाप को पता है ना? मुझे नहीं लगता आपका इन सब चीजों से कोई कंसर्न होना चाहिए। विल में सिर्फ शादी की बात लिखी हुई थी ना? लेकिन शादी का कोई प्रूफ होता है और वो निकाह नामा होता है। ये सब क्या है? प्लीज मुझे बताओ वो लोग कहाँ रहते हैं, मैं उसके घर जाऊं, उसके वालदैन से बात करूं रुखसती के बारे में। इससे आगे मजीद क्या होना है, उसको कब इस घर आना है, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। मैं ना कुछ बोली सैया।